सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसका दूसरा नाम है लैमिनार फ्लो। ठीक है, अभी इसको सिंपल हम लोग कैसा बोल सकते हैं, अगर सपोज मैंने एक ट्यूब लिया, ये ट्यूब है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो पैरेलली मूव होते हैं एंड कांस्टेंट स्पीड में मूव होते हैं। कैसे मूव हो रहे हैं? पैरेलली एंड कांस्टेंट स्पीड, और वो मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन सब एक ही साइड में होगा। एक ही साइड में मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ठीक है, तो वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में रहते हैं। तो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है क्या? बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम सिंपल क्या कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड सेम होता है, वो कॉन्स्टेंटली मूव होते हैं, पैरेलली मूव होते हैं, और उनके जो लेयर्स है वो बियॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के बियॉन्ड होते हैं, पीछे होते हैं, लेकिन डायरेक्शन उनका क्या होता है? सेम होता है, सेम फ्लो होता है। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस हो जाएगी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा टर्बुलेंट फ्लो में, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो इंडिकेट करती है अगर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन इज लेस देन दिस वैल्यू रहेगा, मीन्स क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी तो उसके नीचे रहेगी, तभी ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, अभी इसका सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, फ्लो ऑफ रिवर वाटर इन समर। तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही दे दिया, तो सिंपल इसका लिख सकते हैं हम लोग, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है स्ट्रीमलाइन फ्लो इज अ लिक्विड in which every particle of liquid moves in the same direction, ठीक है, same direction of flow of liquid, ठीक है, and the velocity of liquid in streamline flow is always less than critical velocity of liquid। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रीमलाइन लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा लेस देन किससे होना चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक है, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स है फास्टली मूव होने लगेंगे और वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का हमने सिंपल एग्जांपल देखा, फ्लो ऑफ वाटर इन समर सीजन। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल है। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, इसका भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज the value of velocity of flow of liquid up to which flow is streamline, flow is streamline is called critical velocity। ठीक है, तो सिंपल ये एक ऐसा वेलोसिटी है जो हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो में रखने का काम करती है लिक्विड को, तो उसका जो स्पीड है वो हमेशा क्रिटिकल वैल्यू से कम होना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी के वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है। अभी अगर क्रिटिकल वैल्यू क्रॉस कर देती है स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट में।